संभव उस सभा में उस सभा में अनेक लोग बैठे तो कोई तो संख्या तो होगा इस जगत में अनेक कहने से शंका होता नफर तो होगा इस जगत सीमा वापस है किंतु अपराजित जगत सीमाहीन कहा असीम लदाब साधे हैं यहाँ पर जो है अच्छा अनेक लोग बैठे हुए हैं इस जगत में बहुत लोग बैठे हुए मतलब कितने लोग बैठे हुए ना बहुत अरे बहुत लोग कितने संख्या तो होगा इस समय गिनने के लिए कोई फादुला नहीं है इस जगत सीमाबद्ध है ना हम गिन सकते हैं इसी के कहा जाता है अलंकारी शब्द कहा जाता है अलंकारी शब्द है उसमें तो लिख रहे ये नृक महाराज इतने यज्ञ किया क्या बोले इतने गोदान किया कोई पृथ्वी के बालू कणा की गिन सकते हैं किंतु उनके यज्ञ के गायों की कोई गिन नहीं सकते हैं गोदान का महत्व तो अभी बताया भागवत के दान से वो प्राप्ति हुई भगवान कृष्ण की लेकिन गोदान का कोई महत्व नहीं जिसमें आपने बताया कि उनको कृष्ण के दर्शन हुए जब वो इतना होकर के भी वो बन गए गिरगिट बन गए ठीक है लेकिन बाद में जो है ना कृष्ण के दर्शन हुए जो कहा जाता है ना कि उन्होंने भागवत का दान आपने बताया था भागवत का दान किया था तो गोदान का कोई महत्व नहीं कि इतना दान करके भी गोदान भी तो एक तरह से बहुत बड़ा दान ये तो स्थूल हो गया ना इसलिए गोदान की कोई महत्व नहीं करता पुण्य तो फिर भी बनता है ना पुण्य बनता है किंतु पुण्य खाई हो जाता है तो ही तो दिखा रहे हैं वो दान के फल क्या मिला उसको तो दान का कोई फल नहीं हुआ ब्राह्मण के श्राप से वो दान सारा बस किंतु भक्त के भक्त कहते हैं भक्त यदि होते हैं वो ब्रह्म सबके भी रोक दिया इसलिए तो कह रहे हैं क्या बोले ये महाराज उपाख्यान में कह रहे हैं अम्बरीश महाराज में दुर्वासा ऋषि जैसे महान पुरुष हैं और उनके भी ब्रह्म साप को क्या कर दिया रोक दिया कौन अम्बरीश महाराज उनके ब्रह्म साप प्रश्न ही नहीं किया इसलिए भक्त की विशेष वैशिष्ट और भक्ति की विशेष वैशिष्ट दिखाया मन में आता है जैसे आपने दिव्यानी का प्रश्न बताया था शर्मिष्ठा तो जो उस समय क्या हर किसी को अपना अधिकार वो उसने उसको श्राप दे दिया कि तू ब्राह्मण से विवाह नहीं करेगी है ना तो ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा तेरा क्षत्रिय से विवाह होगा उसने उसको श्राप दे दिया तो क्या वो श्राप जो उस समय क्या किसी के पास इतना वो क्या होता था तप बल होता था श्राप दे देते थे एक दूसरे को किस बल के आधार पर किस बल के अपने अपने महिमा है ना सूर्य बीज अपने महिमा तो है शक्ति है दुर्वासा जैसे साप दिया कि नहीं तो फिर वो क्या बोले इसके लिए तो कह रहे हैं अरे भाई जब वो द्वारिकापुरी में सांब जो स्त्री वेश धारण करके उनको अभिशाप दिया कि नहीं दिया क्यों दिया उनके अभिशाप देना इसमें भी जो है भगवान की लीला नहीं है इसे मंगल होता है नारद ऋषि साहब दे दिए अब जो कह रहे हो उसमें उद्दंड के दंड देना ही होता था साधु के छेड़खानी करो तो क्या होगा आज से बहुत साल पहले की बात है मैं जगन्नाथपुरी से कहाँ जा रहा था ट्रेन में यात्रा कर रहा था मैं बॉम्बे जा रहा था उस समय गुरुदेव के जो है कथा चल हो रहा है बॉम्बे में मेरे याद है हमारे साथ दो तीन जो है उसमें फॉरेनर्स था हाँ समझिए हम थे करीब 18-20 थे हमारे पास है 18-20 जो है हमारे ब्रह्मचारी थे हम लोग
उसमें फॉरेनर ज़्यादा नहीं था, कोई 2-3 था। तो हम लोग जब जा रहे थे तो उसमें एक फॉरेनर जो है वो ये नहीं किया, क्या बोले, टिकट नहीं लिया। जैसे ही वो टिकट नहीं किया, रिजर्वेशन नहीं किया। अच्छा, जो वो हमें, हम वो उन्हें बोले, अच्छा तुम बोला तुम्हारे ग्रुप लीडर कौन है, 18 जी है, वो टीटी पूछा, उन्हें बोला, उन्हें बोला टीटी से, मुझे बोला बन महाराज। अच्छा, तो टीटी हमारे पास आ गया, टीटी हमारे सारे जो है वो टिकट को देखा, वो ब्रह्मचर्य उठे, माने फरनारी के ब्रह्मचर्य उठे, वो हमें भी पता नहीं गए, वो हमारे साथ है, हमारे ग्रुप लिस्ट में नहीं था वो। हाजमे जी, वो लड़का जो हमारे पास है तो गुरुदेव के शिष्य है, वो हमारे ग्रुप में नहीं था। हम जगन्नाथपुरी से मुंबई जब जा रहे थे, वो हमारे ग्रुप में नहीं था, वो अलग आकर का अलग जा रहे थे। अब और उसी ट्रेन में हम उनके साथ मिला हूँ, मिले, और वो ये नहीं किया। टीटी ये संदेह कर रहे हैं ये, हम जानबूझ करके उनके टिकट नहीं किया। टीटी हम मुझे कह रहे, नहीं तुमको ये देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले ये जो ब्रह्मचर्य ये तुम्हारे साथ यात्रा कर रहे हैं, ये टिकट क्यों नहीं किया? हमने कहा मैंने उनको थोड़ा ये ठेका थोड़ी ले करके रखा है, हमारी टिकट है कि नहीं आप देख लीजिए। बोले नहीं ये तुम्हारे साथ है। बोले हमारे साथ है, क्योंकि वो पहले हमें पूछा जी ये ब्रह्मचारी जो है जा रहे हैं, ये फॉरेन जो ब्रह्मचारी जा रहे हैं, क्या आप लोग आप इसको जानते हो? बोले हाँ हम जानते हैं, हमारे गुरुदेव की शिष्य है, मैं झूठ नहीं बोला, वो रशियन था, सीधी बात है समझिए। किंतु वो टिकट नहीं खरीदा, बिना टिकट से जा रहे थे और हमारे साथ आए। तो टिकट वो टीटी के शक हुआ ये मैं ही जानबूझ करके उनकी टिकट नहीं किया, क्यों? कुछ लोग होते हैं पहले बस 15-20 जा रहे, 1-2 के टिकट नहीं किया तो कौन गिनेगा, उनको भी ऐसी जानते हो। तो वो हमें फोर्स करने लगे, इसके टिकट इसके पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। बोले क्यों देंगे? वो हमें डरा रहे हैं। बोले नहीं तुम उनके, मैं कर उसके क्यों हमें करूँ, तुम्हें पता नहीं, अरे तुम्हें देना पड़ेगा। वो तंग कर बोले चलो थाने में ले जाते हैं, हमें बोले तुम्हें थाने में ले जाते हैं। बोले हम थाने में, हमारे टिकट है कि नहीं देखो। बहुत हमें माने इतने वो तंग करने लगे, प्रेशर दे रहे हैं वो हमें, प्रेशर दे करके ये नहीं टॉर्चर माने मेंटल वो दे रहा है, टॉर्चर करते जा रहे हैं। वो हमें ये कहना चाहते हैं, माने मुझे मुझसे वो स्वीकार करना चाहते हैं कि तुम जानबूझ करके टिकट नहीं लिया। ऐसे होता ही रहता है, कोई कहता है अरे कौन टिकट देखते हैं, चले जाते हैं 1-2 हैं आज हैं। किंतु वास्तव में सत्य जो घटना जो है वो जो ट्रेन में जो आए, हमें भी पता भी नहीं था, है तो गुरुदेव की शिष्य सलेशन था वो है, और उसके भी थोड़ा बहुत माने मेंटल जो है थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़ा बकबक करता रहा है। अच्छा जी, अच्छा वो भी बोले हम इसको मैं जानते हैं, माने वो रशियन जो है, हमें बोले हाँ इसको मैं जानता हूँ, ये मेरा गुरुदेव की शिष्य बोले। तो वो टीटी बिल्कुल शौक करके रखे हैं ये मैं ही जानबूझ करके उसके टिकट नहीं करा, और हमें बार बार करने लगे तुम ये पैसा दो, हमें डर तुम थाने में चलो है जो ये होगा। हमें लगे क्या क्यों मैं जाऊँ, हम नहीं जाएंगे है, बहुत ही करने नहीं जाना पड़ेगा। फिर वो इसको 2-1 पुलिस को बुला लिया है, माने हमें इतने प्रेशर दे। तब हमारी जो भक्त जो थे हमारे जब तक करने, बोले महाराज उनके पैसा दे दो ना, वो कर। मैंने कहा नहीं, अन्याय रूप में पैसा देना नहीं चाहूँ, मैं नहीं दूँ, इम्पॉसिबल। यदि हम यदि दोषी होते चलो हम दे देते हैं, स्वीकार कर लेते हम उसके जान उस, वो हमारे साथ हैं, ये भी मुझे पता भी नहीं है, और टिकट किया कि नहीं हमारे साथ भी नहीं, और केवल कहीं से हम कैसे दे दें। बोले तब जार बार यार हमारे भक्त लोग जो हमारे साथ थे, अरे महाराज दे देना तो 300, उसमें 300 रुपये का टिकट था जगन्नाथपुरी टू कलकत्ता, आज क्या होता है दे दो, हम दे देंगे। मैंने नहीं, इम्पॉसिबल, सत्य के हम लड़ेंगे, हम देंगे।
तो वो जब करने लगे तब मेरा मुख से आ गया, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, मैंने मुख से निकाल गया, तुम हमें क्यों परेशानी कर रहे हो। वो डर गए हैं और डरते गया, ट्रेन जो है पता नहीं, वो ट्रेन से वो स्वयं जल डर करके गिर गए, अब उसके पैर टूट गए और तो भी वो हमारे पैर पहुँच गया। तुम क्या तो तुम क्यों किया, क्योंकि देखो मैं वास्तव में मैं उनके उनके ना हमारे साथ आया ना हमारे साथ रहा, उनके साथ हमारी कोई संबंध नहीं था, है तो हमारे साथ है, किंतु वो हमें जो है बार बार फोर्स करने लगे। एक बात तो समझने साधु बोल रहे हैं उसको मान ले कि जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। तो मेरे मुख से जब एक बाहर निकल कर आ जाए, तेरे सर्वनाश हो गया, जा पैसा ले, कितना पैसा लेना चाहिए है। तो उसके पता नहीं, वो गेट के पास खड़े हुए थे और ट्रेन उसी प्रकार जो है प्लेटफॉर्म में खड़ी हुई था है, और वो लुढ़क गए, वही टिटी लुढ़क गए और लुढ़क गए, पता नहीं उनके ये जो है इफेक्ट हमारे सामने देखते हुए कभी हो गए। और ट्रेन तो वहीं पर खड़े हुए थे, वो बम्बई के आसपास कोई ट्रेन था जो है, मैंने हम लोग के मैंने डेस्टिनेशन में पहुंचने के पहले जो था है, वो कम से कम आधा घंटा वो ट्रेन बंद खड़ी हुई। किसी का समय तो वो आप किसी को आशीर्वाद दो उसका तो पक्का कल्याण होना ही होना है। नहीं हम किसी को अभिशाप थोड़ी देना चाहते, क्योंकि वो हमें तंग करने लगे, कम से कम 15-20 मिनट मुझे फोर्स करने लगे कि तुम इसके जान बुझ करके तुम इसके टिकट नहीं कराए, पकड़ने नहीं दिया है, अरे तो उसके तुम ले जाओ। उनके भी एक होता नियम होता है, फरेनार को इतने सहज में वो नहीं ले जाएंगे, उसके लिए उसको जो फरेनार जो होते हैं ना, विशेष करके यूके के यदि कोई फरेनार हो और यदि अमेरिका के फरेनार हो, उनकी ऊपर केस करना बहुत इंडिया गवर्नमेंट, हाँ उसको भी ये लेना पड़ता है, और फिर वही टीटी के जो है उसको जज साहब के पास जाना पड़ता है, पेश होना पड़ता है, वही हमें भी पता है। यदि कोई ये हो उसके आप तंग करो ना, इसलिए वो पुलिस और देशों की तो कोई चिंता नहीं है, यूके और यूएसए अमेरिका की है, विशेष करके यूके पासपोर्ट में लिखा रहता है ये पासपोर्ट के धारक जो है कोई कुछ करे इसके लिए मैं जिम्मेदारी हूँ, उसमें देखना यूके जो पासपोर्ट किसी के पास है देखना उसमें लिखा रहता है, यूके जो है उसमें रानी की साइन रहता है, है यदि हमारे कोई नागरिक कोई दोष कर ये करे उसके लिए मैं जिम्मेदारी हूँ, इसलिए उनके जो है इसको पासपोर्ट देखो यू हैव उसमें लिखा है, उसमें लिखा रहता है, उसमें एक एक लिखा रहता है इसके लिए धारक भागी जो कोई करे इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इस धारक भागी जो होता है ना इसके लिए, इसलिए उनके करते ले वो उसके कारण ना जो जो पुलिस ले जाएंगे ना उसके जज से एम्बीसी से लेकर के उसके बहुत ये करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादातर फॉरेनर के जो है हमारे भारतीय जो है छेड़ते नहीं है, ये करे नहीं क्या देख, ज़्यादा हो जाए जब हो जाए तब देखते रहते हैं है, तब उनके जो है क्या बोले फॉरेन इशू थे ना उसमें तब ये देते, वीजा भी तो आसानी से नहीं मिलता किसका, अभी तो किया ना यूके ने कि वहाँ जो जाएंगे थोड़ा सा कि वहाँ 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा। वी हैव यू के पासपोर्ट, आई हैव अ पर्स बट आई डोंट नो व्हेयर इट इज, या इन द बिगिनिंग ओपन यू हैव आई कैन शो यू, उसमें धारक जो है ये नागरिक जो है उसमें ये भी खतरनाक है, यूके के पासपोर्ट होल्डर के जो है मैंने छेड़ना ये खतरनाक है, वो लोग जानते हैं आज में यदि विशेष की स्थिति में तब नहीं करते, नहीं तो करते कौन जाए भाई अपने सब काम छोड़ करके और वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में वो करेगा एम्बेसी जाओ वो करोगे उनके लिए बहुत ही करते नहीं ज़्यादा है। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नहीं हियर हियर मस्ट बी ब्रिटेन इन हियर समवेयर,
उसके द क्वीन क्वीन साइन इन देयर उसमें ये लिखा था ये हमारे नागरिक है इसके लिए मैं जिम्मेदारी हूँ इंडिया के लिए तो कुछ नहीं होता है क्या पड़े रहो कहीं भी इसके लिए होता है ना विशेष कर यूएसए के होता है ना है उसके ये देना पड़ता है क्या बोले तुमको जो है विशेष करके यूएसए के जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं ना नागरिक जो होता है उनके जो है ये देना पड़ता है उसके कोई करे उसके साथ ही साथ उनके जो फॉरेन जो ये होता है मिनिस्टर होते हैं ना उनके 48 घंटे के उसके इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है इसमें लिखा क्या जी कृष्ण के रूपा माधुर्य कृष्ण के जी रूपा माधुर्य लीला माधुर्य प्रेम माधुर्य बेनु माधुर्य ये चार कृष्ण में परिपूर्ण परिपूर्ण मात्रा से और अलग है ये ढाई गुण जे कह रहे हैं जैसे कृष्ण रामचंद्र की सुंदर कमनीयता है रामचंद्र भी देखने में कम नहीं है जिसको देख करके क्या बोले क्या बोले जनकपुरवासी जो मैंने कहा था ना जनकपुर के जो कन्याएं जो है वो भी आकर्षित हो गए तो यहाँ पर रहने पर भी वहाँ पर कोई ऐश्वर्य रामचंद्र में ऐश्वर्य मिश्रित रहता है भगवान तो है किंतु उसमें ऐश्वर्य मिश्रित रहता है वो भगवान है ये भाव रहता है नहीं नहीं वही वही तो है जैसे सुन जैसे दास भाव है रामचंद्र में दास भाव है उसमें अंतर्हित है कृष्ण भी दास तो है सक है वात्सल्य है माधुर्य है किंतु रामचंद्र में जो आपके दशक हो जाए वो सब ऐश्वर्य मिश्रित दास हो जाता है नहीं क्वांटिटी कम नहीं ऐश्वर्य जो भगवान है जैसे हनुमान जी रामचंद्र की सेवा कर रहे हैं दास भाव से सेवा कर रहे हैं किंतु हनुमान जी के हृदय में ये भाव रहता है ये रामचंद्र भगवान है ये दास भाव ये जो भगवान है इस बुद्धि के कहा जाता है ऐश्वर्य बुद्धि कहा जाता है भगवत बुद्धि तात्पर्य क्या है ऐश्वर्य बुद्धि हो जाता है किंतु ब्रज में रक्तपत्र ये लोग दास दास रस के कहा जाता है किंतु इसमें एक विशेष वैशिष्ट्य है रक्तपत्रक जो है समझ में रक्तपत्र दास भाग ब्रज के दास भाग किंतु कृष्ण के भगवान बुद्धि नहीं कर रहे पर कृष्ण के मैं कृष्ण के सेवक कृष्ण के दास हूँ मैं कृष्ण के दास हूँ ये भावना नहीं रखते नहीं मैं किसके दास हूँ नंद महाराज के दास हूँ है समझ में चलो ऐसे ही समझने के प्रयास करो है तो उसकी ही है किंतु कृष्ण वो रखते हैं भाव रक्तपत्र ये करते हैं दास भाव रखते हैं किंतु दास भाव होने पर कृष्ण के मैं दास हूँ ये भाव नहीं रखते और किंतु रामचंद्र में जो हनुमान जो दास है ये जो दास है तो वही दास भाव रहेगा किंतु दास भाव में ऐश्वर्य बुद्धि रहता है भगवान रामचंद्र थोड़ी सी क्या बोलते हैं माने ये हो जाए
क्या बोलते हैं इसके, मतलब जैसे सीरियस हो जाए है, वो सब टलमल हो जाएगा है। किंतु कृष्ण में, ब्रज में कृष्ण जो है ये भावना नहीं होती। जैसे देखो सक भाव में कहते हैं, सक भाव में क्या होता है ना, सुबल सिदम कृष्ण के पैर के ऊपर पैर रख देंगे, कोई चिंता नहीं है। किंतु देखो विभीषण सुग्रीव ये रामचंद्र के प्रति सक भाव रखते हैं है, किंतु उनके पैर, उनके पैर जो है कहीं रामचंद्र में लग जाए ये ध्यान रखते हैं। नहीं कंधे पे हाथ रखते, कि सक भाव है ना। सुग्रीव जो है, सुग्रीव रामचंद्र के साथ मित्रता तो किया, मित्रता हाथ रखेंगे, गले में लगाएंगे, ऐसे भी दिखाया गया है। किंतु अपने पैर जो है रामचंद्र के कहीं प्रसन्न हो जाए उसने बहुत सतर्क रहा। वो तो ऐश्वर्य कारण है, जहाँ पर ऐश्वर्य बुद्धि, ऐश्वर्य बुद्धि तात्पर्य क्या है, भगवत बुद्धि, भगवत बुद्धि मतलब वो मुझसे बड़े है। सुग्रीव ये समझेंगे ये रामचंद्र मुझसे बड़े हैं है। और इधर सुबल सिद्धाम ये नहीं सोचते हैं, तुम कौन बड़ू लामी, तुम सुनो बड़ा कहाँ से हो गया तुम है, उसमें कांध में चढ़ जाते हैं है। ये भाव रहा था माधुर्य भाव से कहा, माधुर्य युक्त सख कहा जाता है। है तो रामचंद्र में, किंतु उसमें जो क्वालिटी जो है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। रामचंद्र रूप माधुर्य जो है, रूप माधुर्य और अच्छा लीला माधुर्य है, प्रेम माधुर्य भी है अच्छा, किंतु ये सब हाफ हाफ करके आ जाता है उसमें। हाँ समझ, जैसे दास रस का है कि सक्कर रस का है, बात्सल रस का है, वो रस की पूर्णता नहीं होता है उसमें, रामचंद्र में पूर्णता नहीं होगा। एक तो ईश्वर जो मिश्रित होता है पूर्णता नहीं होता, नहीं है मतलब वो प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है तो भगवत, वो प्रकाश नहीं होता। हाँ समझ, समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि आपने ये कहा ना चार एकदम अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, जो किसी में भी नहीं है। हाँ इसलिए मेरे मन में आए तो फिर वो ढाई। हाँ ये जो शुद्ध, एक कहने के जैसे मैंने आपके कहा शुद्ध जल ले आओ, शुद्ध जल कहने से क्या जल ले आओ, जिसमें कोई मिश्रण नहीं हो, और आपने कहा कोई जल लेकर के आया, तो दोनों जल में पार्थक्य है तो जल करे, जल तो है कि किसमें किस जल में वो लगा देते, क्या बोले नहीं नहीं प्योरिटी निकाल रहा हूँ, जैसे शरबत के जो लाल छोड़ देते ना है, गुलाब है, गुलाब जल छोड़ दिया है, तो उसके शुद्ध नहीं मर, क्योंकि कुछ वस्तु मिश्रण हो गया। हम जो इसमें ब्रज में होता है शुद्ध, शुद्ध माने जिसमें किसी प्रकार मिलावट नहीं है, है उसी कहते यूनिक है, तो चावल तो है बट कोई भी वस्तु है, किंतु जिस वस्तु और दूसरी वस्तु से बिल्कुल अलग है, कोई मिलावट नहीं है, और उसमें मिलावट दिखा, वो मिलावट के ऐश्वर्य मिश्रित हो जाता है वो शक है राम सख्त है, किंतु वो शक ऐश्वर्य में शक हो जाता है। हम जब पानी के लिए कहा, मैंने कहा जब भाई शुद्ध विशुद्ध पानी लेकर के आओ, तात्पर्य जगह जिसमें किसी प्रकार मिलावट न हो है। तो इसमें ब्रज में जो है इसे कहा जाता है शुद्ध वात्सल्य है, और ब्रज में एक्चुअल ब्रज में यदि कहा जाए दास है ही नहीं, और बिना दास से प्रेम की उत्कर्षता नहीं होता है, वो दास तो दिखाते हैं है। और उसमें वो जो दास कर्म है, जो रक्तपत्रक जो कहा गया, ये रक्तपत्रक दास है किंतु कृष्ण के दास नहीं मानते। रक्तपत्रक दो सेवक के नाम है,
हैं, रक्तक और पत्रक। ये दो ही नाम सुनने को मिलते हैं, और भी नाम होंगे, लेकिन अनेक नाम, अनेक है इसमें, दो ही नाम सुनते हैं। किंतु इसमें क्या होता है ना, एक अपने को जो है दास जो मानते हैं, ये कृष्ण की, मैं कृष्ण के दास हूँ ये नहीं मानते हैं। कौन? रक्तपत्रक। रक्तपत्रक मैं कृष्ण के दास हूँ ये नहीं मानते हैं। मैं दास के किसका हूँ? नंद महाराज, नंद महाराज के काम कर रहा है। आपके घर में कोई काम कर रहे हैं है? आपने पैसा दे रहे हैं, तो इसके मतलब आपके ही दास है। आपके बेटी के हम जाके ऐसे करो, बोले नहीं तुम्हारे बात नहीं मानते है? तुम्हारे पिताजी मुझे दिया, मैं तुम्हारे बांधे रखना है तो रखो, नहीं तो चलते। वैसे भी जो पिताजी या दादाजी के जो नौकर होते हैं, जैसे हम लोग के घर में भी थे, तो वो हमें तो बच्चे की तरह ही नहीं, वो तो दूसरी बात है। किंतु जब हम तर्क जुक्ति में जब ले जाएंगे है, तो वो कहेंगे भाई तुम्हारे दास थोड़ी हूँ, तुम्हारे पिताजी के। ये नहीं मतलब है तुम मुझे खरीद लिया क्या, तुम्हारे घर के जितने परिवार है सब मुझे खरीद लिया क्या है? ठीक है, तुम यदि कहो हमें तुम्हारी बात मान सकते। वहाँ तो कृष्ण जो लोग अभी बूढ़े हो गए ना, जो हम लोग बचपन में थे, अभी भी वो देखते हैं, उनमें वो मालिक या नौकर वाली बात नहीं आती, उनमें कहीं ना कहीं बात सल्ली आता है। वो तो एक दूसरे को भावुक हो जाता है। वहाँ पर कृष्ण को तो नंदन नंदन बोलते हैं, नंदन भी नहीं बोलते, नंदन नंदन मतलब फ्री माइंड है, कुछ भी करें, नंद के बेटे हैं। नहीं, पहले युधिष्ठि महाराज हरिदास का, ये जो हरिदास, जो युधिष्ठि महाराज जो हरिदास कहा गया, यह पर दासों की तात्पर्य जो होता है संपूर्ण रूप से, तो सिर्फ इन तीनों को ही मतलब बोला गया। हाँ, ये तीनों की कहा गया, सभी तो है, किंतु इसमें युधिष्ठिर महाराज आत्मसमर्पण जो है, कृष्ण की इच्छा बिना कुछ करते ही नहीं है, है? इसलिए दास शब्द की जो होता है, मैं सेवक हूँ, कृष्ण की इच्छा बिना और कोई सेवा नहीं करेंगे। युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर महाराज ने पत्र लिखा, ये मैं ये करना चाहता हूँ, राजस्व यज्ञ करना चाहता हूँ, और इसके आपकी उपस्थिति हमारे एकांत कमल है, और आपके बिना मैं नहीं करूँगा। उसमें क्या दिखा रहे ना युधिष्ठिर महाराज की जो एकांतिक निष्ठा है, एकांतिक निष्ठा किस में दिखा रहे? रामचंद्र क्या बोले, कृष्ण में दिखा रहे। दास रस में एक होता है विशेष तात्पर्य है, उसमें निष्ठा दिखा दे है। सेवक की यदि अपने सेवक वस्तु में निष्ठा नहीं रहे, वो भजन राज्य में आगे नहीं बढ़ेगा, ये दर्शन करा रहे है। तो यही तो कह रहे हैं, जब एक कहने लगे, द्रौपदी कहने लगे, चलो महाभारत की कथा, दुशासन ने द्रौपदी के जो है वस्त्र चीरहरण किया। अच्छा चलो, इसके पश्चात जब समाप्त हो गया, कथा समाप्त हो गया, पासा खेल समाप्त हो गया, तो उस समय द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न, एक प्रश्न पूछा है, ये बात बताओ तुम मुझे दांव में क्यों लगाया, कि मैं तो तुम्हारी अकेला पत्नी नहीं हूँ है, क्योंकि द्रौपदी जो है ये पांच मंडल के पति, तुम क्यों लगाए मुझे। अच्छा, दूसरी बात जो है, तुम जब स्वयं हार गए थे तो मुझे क्यों लगाया, तुम तो स्वयं हार गए और तुम्हारे तो नहीं रहा है, तुम हमें क्यों लगाया फिर? अच्छा, तुम्हारी संपत्ति नहीं है, जब सांगी कहा जाते हाथ उठा देते हैं, ये मैं, मेरा क्या हो गया, बैंक बैंक्रप्ट हो गया है,
यहाँ पर तो समाप्त हो गए। तो उस समय ये द्रौपदी पूछ रही है, ये बताओ ये तुम्हें मुझे क्यों दांव में क्यों लगाया है, तुम्हारे अधिकार किसने दिया, क्या तुमने अपने भाइयों की तुमने पूछा है, पूछा ही नहीं, तुम क्यों दांव दांव में लगा दी है। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज ने एक सुंदर प्रश्न कहा कि द्रौपदी देखो वास्तव में तुमको मैं कहता हूं है, मैं यही समझता था हमारे कृष्ण की जैसे इच्छा ऐसे मैंने किया, मेरे मन में जो भावना हुई मैं ये सोचता हूँ कृष्ण की इच्छा ही है। तो उस समय एक उदाहरण दे रहे हैं क्या रामचंद्र, उसमें देखो महाभारत में उदाहरण दे रामचंद्र, क्या रामचंद्र नहीं जानते थे सोने के हिरण नहीं होता, सीता देवी कह रही हैं ये प्राण प्रियतम रामचंद्र आप सो ये सोने के हिरण है इसे पकड़ करके ले आओ, तो रामचंद्र की नहीं जानते थे सोने की कोई हिरण थोड़ी होता है, नहीं वो क्यों रामचंद्र क्यों गए, रामचंद्र भगवान है ना। तो उसमें करें रामचंद्र करें उसके लीला के लिए बोली यही हमारी ऐसी है, ये भगवान की इच्छा हमारे द्वारा भगवान जो करा चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज तो एग्जाम्पल दिए ना है, उसमें कह रहे हैं ये द्रौपदी क्या रामचंद्र सोने के हिरण के पीछे में क्यों दौड़े, उनके दौड़ने के कारण क्या, क्या रामचंद्र नहीं जानते थे ये सोने के हिरण नहीं हिरण नहीं हो सकते, वो तो भगवान थे ना। एक देखो केवल आप जो कह रहे हैं वो तो भगवान के लिए लीला कहते जा रहे हैं और शुद्ध भक्त की भी लीला हो जाता है, किंतु बद्ध जीव के उसके नहीं उसे कर्मफल करा देते हैं। आप कह दे जो मैंने ये किया तो भगवान की इच्छा ही था, ये नहीं कह सकते। हाँ समझे, एक व्यक्ति था बहुत सुंदर बगीचा बनाया, उसके बगीचा की इतने सुंदर सुंदर वृक्ष आदि था लोग देखने के लिए आते थे है, और वो क्या करता था अपने बखान करता, बखान समझे बोले भाई है। एक दिन क्या हुआ वो कहते मेरे हाथ मैं इसको एक इसको खरीद करके लाया, मैं अपने हाथ से पानी दिया अपने लगाया लगाया अपने अपना करने लगे मैं करने लगे। एक दिन क्या हुई कोई एक गाय जो है उस बगीचा में प्रवेश घुस गया और वो गाय ने गाय क्या कि कोई पेड़ को नष्ट कर दिया खा लिया, तो उसको बहुत गुस्सा हुआ और वो गाय को ऐसे मारा गाय मर गया। जब गाय जब मर गया अभी गोह तक तो पाप लग गया, तो उन्होंने क्या जल्दी जल्दी ने किया कि गड्ढा खोद करके वो ढक दिया है। आज समझ में इतने समय इंद्र आप ब्राह्मण बेस्ट पजट माने क्या बोले विजिटर के रूप में आगे देखने के लिए, तो कहने बोले वही कहने लगे मैंने किया मैंने ये पेड़ रख गया। तो इंद्र कहने लगे विजिटर के जो आए हैं इंद्र करने बोले देखो वो ऊंची स्थान पर वो क्या है, है? बोले वो कुछ नहीं बोले बात देखो तो बोले अच्छा। तब उन्हें स्वीकार किया जी ऐसे ऐसे हो गया, तब वो स्वीकार करना नहीं चाहते कहने बोले ये मैंने थोड़ी किया है ये इंद्र ने किया। बोले इंद्र कैसे किया, बोले हमारे हाथ के अधिष्ठात्री देवता है ना इंद्र है, देखो हमारे जितने भी इंद्रियां जो है ये भागवत में भी वर्णन है, हमारे जितने भी इंद्रियां आँख है नाक है कान है हाथ है पैर है जितने भी इंद्रियां सब इंद्र के एक एक अधिष्ठात्री देवता है, वही अधिष्ठात्री देवता की इच्छा से हम कार्य आदि करते हैं। हाँ समझे, पैर के अधिष्ठात्री देवता विष्णु माना जाता है, हाथ के अधिष्ठात्री इंद्र माना जाता है, आंखों की सूर्य माना जाता है, नाकों के अश्विन कुमार देव माना जाता है, उसमें लिखा है भागवत में समझता लिखा है। तो वो व्यक्ति देखो अपने को छुपाने के कहने लगे ये मैंने थोड़ी किया, बोले कृष्ण ने किया, बोले इंद्र ने किया, बोले क्यों इंद्र के अधिष्ठात्री देवता। अच्छा इंद्र इतने समय इंद्र बोले अच्छा तो मैं जो अधिष्ठा तुम्हारे हाथ को मैं काट करके ले जाता हूँ, तुम्हारे नहीं है तो मैं काट कर ले जाता हूँ।
अगर मान लीजिए किसी ने पूर्व जन्म में मेरे साथ कुछ बुरा किया और इस जन्म में मैं उसका बुरा करता हूँ, तो ये तो कर्म कट गया, तो इसका तो मेरे पर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने तो उसका मेरा पूर्व जन्म का कर्म कटा है, मतलब उसका भी कट गया मेरा भी कट गया, खत्म हो गया, लेकिन उस कर्म का मुझे प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। वो तुम्हें सताया, तुम ऐसे करो, पिछले जन्म में सताया मैंने, अच्छा बोलो, जागतिक रूप में बोलो, एक व्यक्ति ने उसको गोली मारा, आप उसको गोली मार दो, तो जज क्या करेंगे? अगर पकड़ा गया तो जज तो मेरे छोड़ेगा नहीं तो फिर नहीं, अगर नहीं पकड़ा गया तो फिर कर्म की बात, ऐसे नहीं होता है। कर्म फल मतलब वो जो भी है, तुम्हें देखो वो हमें हमारा भी किया, मैं उसके करूँ, ये तुम्हारे अधिकार नहीं है। वो गलत किया, तुम भी गलत करोगे? वो भगवान मेरे द्वारा कराना चाहते कि तुमने जो, अरे भगवान की, भगवान तो कराते हैं मुक्त पुरुष के लिए, बद्ध जो अपने कर्म के लिए, तो कहने की ये मेरा धन चुरा लिया, मैं उसका धन चुरा लेता हूँ, है ऐसे नहीं है, शास्त्र में ऐसे नहीं कहा। तुम चुराया, तुम चोर रहोगे कि नहीं? बस वो तुम्हारे धन चुरे, वो तो चोर सब्यस्त हो गया, तुम चुराया उसके धन, तुम चोर है कि नहीं? तो चोर के दंड देना उचित है कि नहीं? तो फिर प्लस माइनस नहीं हो रहा है। आप कह दो भाई वो मेरा धन चुराया था तो वो चोर हो गया, अच्छा आपने उसके धन को चुराया तो आप भी चोर सब्यस्त हुआ कि नहीं हुआ? और चोर के दंड देना पड़ता है, तो ऐसे आप जो कह रहे हैं मैं उसे मेरे हो गया ऐसे चोर, ऐसे नहीं होता है। भगवान की लीला का ये होगी, इसने किया था इसके द्वारा इसकी कर्म खत्म कर दें, ऐसा तो इस तरह से नहीं होता। नहीं, आप जो कह रहे हो, आप कहने की हमारे कर्मों मतलब वो हमें किया था, मैं उनको किया, नहीं उस समय मैं अच्छा, मैं लाइट में मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, किंतु आपके भोगना पड़ता है। हाँ। वो कर्म जो है किसी न किसी प्रकार के आएगा, वो अच्छा वो किसी और रूप में आएगा, वो आएगा, अच्छा वो आएगा, लेकिन इसने की वो उस व्यक्ति के द्वारा नहीं जाएगा, माइनस नहीं होगा। कर्म करके कर्म के द्वारा नहीं होता है। वही भगवान, वही अजामिल को पक्का दिखा ना, भगवान के नाम के द्वारा। प्रेम विलास विवर्त पे एक थोड़ा सा कुछ क्या, अगर आप वैसे प्रसाद लग गई तो मैं थोड़ा मैं काफी देर से वेट कर रहा था, आप प्रसाद खा लीजिए कोई बात नहीं, बहुत देर से बोल रहा। अच्छा बोलो क्या बोलना चाहते हैं? सुनो, दो लाइन तीन लाइन आपकी जितनी इच्छा करे। जगदान पंडित जी हुआ है प्रेम विलास जो महाप्रभु और उसमें संवाद में दो लाइन अगर आप बड़ी इच्छा थी आपके मुंह से आप वहाँ लीजिए, तो थोड़ा अलग मूड था वो नहीं। प्रेम विलास भेट तुम्हें कौन सा कथा सुनना चाहो, वो तो जगदानंद पंडित लिख रहे हैं। महाप्रभु को जब उन्होंने बताना शुरू किया, नहीं वो तो प्रेम विलास, ओ ना ना ये बोलते प्रेम विवर्त, वो राय रामानंद संवाद में ग्रंथ के नाम नहीं करे। ना सो रमन ना हम रमणी मोह पेशल एक लो जान, तो उसमें जो है महाप्रभु ये अत्यंत माने महा, क्यों यहाँ पर जो महाप्रभु जिस कारण से आए हैं, महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा जी के भाव और कांति लेकर के आए हैं, तो इसलिए राय रामानंद जब ये बोलते जा रहे हैं तब ये कथा के सुन करके चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं ये मुझे मेरे ये न पकड़ ले, इसलिए कह रहे इसको कथा को यहाँ पर रहन दो। आज समझे प्रेमिक भक्त के ऐसे लक्षण होता है प्रेम की मधुरता प्रकाश करने के लिए, तो वहीं पर तो करे जब कहेंगे भाई यहाँ पर रहो तो उसके आनंद होता है, और बोलने के लिए राय रामानंद बोलना शुरू कर दिया, भाव का प्रकट हो जाता है। इल तो करे ना सो रमन ना हो रमणी दुह पेशल एक लो जान, ना खुजनी द्वितीय ना खुजनी आन दुहार रूपे गुणे मध्य पंचवान। ये जो शब्द कह रहे हैं इसमें प्रेम की विवर्त की दिखा रहे हैं, प्रेम ऐसे विवर्त माने घूर्णामन, विवर्त के की कई अर्थ होता है, विवर्त करता है एक भ्रांति भी सृष्टि कर देता है, प्रेम विवर्त जहाँ पर प्रेम की वर्पुर होता है, उस प्रेम में जाकर के कहीं
ऐसे स्थिति हो जाता है उसमें अपने को रमन अथवा रमणी, रमन रमणी समझते कि नहीं, क्या है आश्रय अथवा विषय, विषय अथवा आश्रय, ये भावों के दोनों पेश करके मानो एक ही हो जाते हैं है? क्योंकि प्रेम की ऐसे स्थिति हो जाता है जहाँ पर जाकर के दोनों के अलग करना संभव नहीं होता है, है? जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे आपने जो ये हाथ में जो क्या बोले, क्या बोलते हैं इसको, चूड़ी है, इसके चूड़ी थोड़ी बोलते हैं, ये कांच के जो है, जो है कड़ा बोलते हैं, अच्छा चलो लाख होता है वो, जो उसमें क्या होता है कोई रंग जब मिला देते हैं वो उनके ओत हर कण कण में प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश कर उसके भी तोड़ भी दो तब भी वो अलग नहीं होगा, ऐसे पीस भी दो अलग नहीं, क्यों, उनके कण कण में वो लाल रंग प्रवेश किया। ठीक उसी प्रकार प्रेम की ऐसे एक घूर्णावर्त वा प्रेम की ऐसे विलास की ऐसे उच्च स्तर में पहुंच जाते हैं तो उस समय आश्रय और विषय एक दोनों से ऐसे मिल करके हो जाता है, वो अपने को समझ नहीं पता है क्या मैं प्रेमिक हूँ कि मैं प्रेमिका हूँ, इसलिए कह रहे हैं ना सो रमन ना हम रमणी दूह पेश अल एक अल जानी ना खुजलू द्वितीय ना खुजलू आन दुहे रूपे गुणे मध्य पंचवान। उस समय एक दूसरे की प्रेम ऐसे स्थिर हो जाता है, एक दूसरे के कोई मध्यस्थान नहीं करना पड़ता है इस जगत में, जैसे विवाह आदि करने कराने के लिए क्या पड़ता है मिडिलमैन रखा जाता है, है? जिसको मध्यस्थ कहा जाता है, तुम्हारे लड़का है इसके लड़की है, अच्छा ठीक है इनके दोनों के साथ विवाह कर देते हैं, जिसको ब्राह्मण कार्य आदि करते रहते हैं, मिडिल मैन रहता है। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं जे नहीं, ऐसे भी नहीं है, इसके नाखोजिली दूती नाखोजिलुअन हम दोनों के, अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं राधा जी यही भाव व्यक्त करते जा रहे हैं, ये कोई दूती के आश्रय लेकर के हम दोनों के प्रेम नहीं हुआ। प्रेम होता है कहीं कहीं प्रेम होता है एक दूती के, दूती समझते हो माने कोई सखी जो है मिडिल मैन होता है, दूती के इसके समझने के लिए कुछ आपको दूती के बारे में जानना पड़ेगा। दूती किसको कहा जाता है, दूती कहा जाता है ये नायक नायिका के मिलाने के लिए है, एक दूसरे के गुण को जो है बखान करते हैं, जो कोई सखी जो है जिसके सखी होगा है वो उनके पास, जैसे राधा जी के कोई कृष्ण के कोई सखी जो है वो कृष्ण पक्ष के कोई सखी हो, जैसे वृंदा वृंदारिका धनिष्ठा ये सब कृष्ण पक्ष सखी होता है। ये क्या कहता है, राधा जी जब मान कर लेती है तब वो राधा वो कृष्ण की गुणाखान वर्णन करते हैं कि तुम क्यों मान कर रहे हो, जैसे जैसे गीत गोविंद में आ रहे हैं, अपूर्व ग्रंथ है गीत गोविंद वाले हैं, क्या बोलते हैं धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, और इसके आगे क्या है धीर वहीं पर दैट दे ऑल्सो डिड दैट द ड्रामा ललिता लवंग कमल, उसमें जो कर रहे हैं उसमें उसमें कोई सखी कह रही है ये हे राधे तुम मान करके क्यों बैठी है, है? मान में कुछ लाभ नहीं है, कृष्ण के साथ मिलन के लिए देखो कितने सखियां आतुर हो रही है और कृष्ण भी तुम्हारे लिए भी तड़प रही है, है? धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाल, तुम्हारे लिए स्वयं कृष्ण भी इतने तड़प रहे है, किंतु सखी तुम देर पश्चती सखी ये तुम्हें देखो बाहर तो आकर तुम मान छोड़ो और अपने कुंज से बाहर आओ और देखो तुम्हारे लिए कृष्ण कितने तड़प रहे हैं, ये समझते जो कथा कौन बोलते हैं, इसके कार्य होते हैं द्वितीय के कार्य है, द्वितीय के कार्य होता है नायक नायिका की गुण आदि वर्णन करना, ये द्वितीय के कार्य होता है। ये द्वितीय भी कई प्रकार द्वितीय होता है, एक होता है संग द्वितीय होता है, ये अप्त द्वितीय होता है, ये समस्त बहुत प्रकार के वर्णन है। तो ये समस्त गोपियों की कार्य होते हैं द्वितीय बखान करना,
तो ये जो करें वो राधा जी करें ये नाखोजन दूती नाखोजन आन दुहे रूपे गुणे दुहे मध्य पंचवान। बोले केवल पंचवान क्या है ये भी आपको समझ है ये क्या बोले आप लोग सब समझ में आएगा। हाँ आएगा आप इच्छा है तो बोलिए। ये जो है पांच प्रकार के जो बाण होता है बाण माने तीर होता है काम देव के पांच प्रकार के सर होता है सनमोहन बाण होता है ये समझ तो बाण होता है पांच प्रकार के बाण होता है क्या क्या है नहीं नहीं पहले शोषण बाण आकर्षण पहले होता है आकर्षण करना ये आकर्षण शोषण सनमोहन ये समस्त जो है माने क्या बोले अपराधी तो काम शास्त्र रहता है इसमें ये जड़ जगत में काम शास्त्र कहने से जड़ जगत की विचार हो जाता है अपराधी तो चित जगत में जो होता है उसमें पहले के पहले होता है आकर्षण बाण होता है उस आकर्षण बाण के द्वारा युवक युवती के क्या करते हैं आकर्षित करते हैं है? फिर उसे सम्मोहन मोहित कर देते हैं एक दूसरे के द्वारा मोहित हो जाते हैं है? आ समझ नहीं ये समझते हैं पांच प्रकार बाण होता है मारण स्तंभन उन्माद मान सीक्वेंस ठीक नहीं है पहले आकर्षण कहा जाता है, है? किसमें पहले होगा आकर्षण अपने रूप के द्वारा रूप माधुर्य के द्वारा एक दूसरे के द्वारा आकर्षण कराते हैं है? इसके बाद क्या होता है एक कुछ सिक्स मान सीक्वेंस होता है इसमें जो होता है स्तंभन अंत में हो जाता है स्तंभन मान स्थिर हो जाता है अच्छा। शरीर के जो है बिल्कुल मान क्या बोलते हैं मोमेंट नहीं रहता है वो अपने सोचते नहीं मैं कहाँ पर हूँ तो ये समस्त जो है वो इसलिए करें नाखुजन द्वितीय नाखुजन आन दुहे रुपये गुने दुहे और क्या कहते हैं इसमें ये नाखुजन द्वितीय नाखुजन आन दुहे रुपये मध्य पंचवान ये पंचवान जो है अपराकृत चित जगत में ये पांचों बाणों के द्वारा जब एकत्रित हो जाता है तब तो नहीं होता है कुछ और स्तंभन हो जाता है समझ में स्थिर हो जाता है केवल मात्र सांस चलते हैं इंद्रिय आदि के और जो होता है बिल्कुल स्थिर हो जाता है ये स्तंभ मान कहा जाता है तो इसलिए कर राधा जी कह रहे हैं तो उसी प्रकार प्रेम की इसी प्रकार उस समय द्वितीय आगे द्वितीय आदि जो है वो मैसेंजर कहा जाता है द्वितीय शब्द का अर्थ होता है इंग्लिश में मैसेंजर वो तुम्हारे साथ पास आकर के नायक नायिका के पास आकर के वो उनकी रूपक रूप आख्यानदी करते रहेंगे ग्लोरिफिकेशन में भले ही वो आपके ऊपर प्रसन्न नहीं है अच्छा। किंतु इसको ये बखान करते रहेंगे तब इसके क्या होता है चित्त द्रवीभूत होता है ये समझते इसलिए उसमें तो कह रहे हैं लाइन नाखुल दे दें और उसमें क्या दुएर मधु उसमें प्रेम कैसे हो जाता है उसमें ना पेशल एक कलो जानी दोनों ही जब पिस करके प्रेम की ऐसे घनीभूत अवस्था हो जाता है दोनों की प्रेम ऐसे पिस करके होता है एक ही जैसे दिखाई पड़ता है जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चूड़ियाँ जैसे है रंग मिला करके जैसे उसके ट्विन कण कण में प्रवेश कर जाते हैं उसी प्रकार राधा कृष्ण की ये वास्तव जो स्वरूप जो है ये चैतन्य महाप्रभु है क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है यदि एक स्वरूप है वो है होगा कौन चैतन्य महाप्रभु है आज फिर क्या होता है फिर दो रूप में प्रकाशित हो रहे हैं राधा कृष्ण के रूप में फिर वो राधा कृष्ण दोनों मिल करके फिर एक हो रहे हैं उसी कहते हैं रसराज महाभाव सर्व इसमें रसराज क्या है कृष्ण के कहा जाता है रसराज
राधा जी के कहा जाता है महाभाव, ये रसराज और महाभाव सम्मिलित होकर के वो गौर सुंदर के रूप में प्रकटित हो रहे हैं। तो राधा रानी बोल रही है कि जैसे अब मुझे ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, इतना माइंड या मैं इतना ज़्यादा मिक्स हो गया था उनके भाव में, इतना मुझसे आसक्त हो गया या जो भी ये कहने कहते राधा जी ये कहना चाहती है, हम दोनों की प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ पर हो सकता है, लास्ट लिमिट ऑफ डिवाइन लव, जिसके ऊपर जाकर के कोई संभावना नहीं है। वो रसराज महाभाव स्वरूप है क्या चीज़, जिसके रायरमंद संग देख करके मूर्छित हो गए। देखिए राम रायरमंद हो मूर्छित, तो यहाँ पर प्रश्न हो रहा है जो रायरमानंद तुंग क्या बोले तुंग विद्या ना कौन सा विशाखा सुखी, अच्छा विशाखा सुखी देखा कि नहीं देखा, देखा। राधा कृष्ण को भी देखा, किंतु यहाँ पर विशाखा सुखी बार रायरमानंद महापुरुष जो देख रहे हैं, और महापुरुष जो देखा दोनों स्वरूप देखा रसराज महाभव, ये देख रहे मूर्छित क्यों हो गए, वहाँ पर मूर्छित नहीं हुए है। तो ये विशेष दिखा रहे हैं ये कृष्ण किस प्रकार राधा जी की महाभाव की सर्वोत्तम भाव माधुर्य के आस्वादन करने के लिए और किस प्रकार उसमें प्रवेश कर रहे हैं, राधा जी के अंतर हृदय में प्रवेश करके वो भाव को किस प्रकार आस्वादन कर रहे हैं है। वो भी कैसे है, जैसे उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार एक कमल है, कमल के अंतर स्थल में क्या रहता है, केंद्र में क्या रहता है, जिसको कोरक कहा जाता है, उसके अंदर में क्या रहता है, केसर रहता है, है? वो कैसे केसर कैसे होते हैं ना, वो होता है पीले पीले वर्ण होता है, है? तो भ्रमर जब प्रस्फुटित कमल में जब प्रवेश कर जाते हैं और अंतर में चले जाते हैं और वहीं पर चारों तरफ जो केसर लगा हुआ है वो केसर कैसे था, पीली वर्ण मोल्टेन गोल्ड जिसको कहा जाता है, वो उसके भ्रमण के चारी शरीर में क्या हो गया, तो काले शरीर होने के कमल वो संपूर्ण रूपे ढक गया। जब वही जब बाहर आ गए है उसके भ्रमण रूप में समझना अति कठिन होता है। तात्पर्य क्या है, ये कृष्ण राधा जी की महाभाव की सर्वोत्तम जो सीमा जो है और जो राधा जी के अंतर हृदय में विराजमान है वो है क्या, जिसको कहा जाता है भावो सर्व भाव उद्गम उल्लास रति का, सर्व भाव उद्गम रति का, जो वो राधा जी के छोड़ करके और किसी में नहीं रहता है, ललिता भी नहीं है, विशाख क्या बोले चंद्राबली भी नहीं है, वो राधा जी के क्या बोलते हैं एक चेटिया समझते हो, मोनोपोली एकमात्र उसमें ही रहता है, हाँ समझ गए, जैसे कोई कोई कंपनी करते सर्व भाव उद्गम उल्लास रति, ये राधा जी के छोड़कर किसी में नहीं रहता, जिसके जो मदनाक्ष महाभाव के जो सर्वोत्तम जो प्रकाश ये राधा जी में ही भाव, ललिता विशाखा कहीं कहीं जो है मोहन भाव तक प्रकाश हो जाता है, हैं आज समझ कृष्ण जब उसमें डुबकी लगाए तभी डुबकी किस लिए थे, मतलब वो वाले वही तो कृष्ण के ऐसे जो रूप जो दर्शन कर रहे हैं राधा जी की अंतर हृदय में जो सर्व भाव उद्गाम और रस उल्लास भाव जो है उसी मानो वो क्या बोलते हैं इसके द्वारा रंजित हुए, उसके पहचान में नहीं आ रहे, ये वस्तु मैंने कभी नहीं देखा तो मूर्छित हो गए। समझना बहुत कठिन है ना, क्या बोलते आपके समझाने से समझ में आ रहा है, आप बोलते हैं ना तो चलो आप वो समझना आना तो, लेकिन ज्ञान तो हो कम से कम समझने का आभास ज्ञान तो ज्ञान हो क्या, नहीं काल में कहा था ना जिक बहुत लोग कहते हैं चंद्रावली के मंजरी हो जाते हैं, सुखी हो सकते हैं मंजरी नहीं होगा, चंद्रावली भी तो राधा जी की बहन है,
मंजरी जो हो ना, ये अतीब दुर्लभ कहा गया। निवृत्त तो मंजरी जहाँ पर प्रवेश करते हैं, ये राधा रानी की समस्त भाव उसमें संक्रामित होती है। चलो आगे। अच्छा आपके क्या बोले? अच्छा बताओ, वो मैं कह दो प्रकार।